अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक, मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, वादे, दावे और इक्तदार का हसूल। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी मंजरनामे पर नजर दौड़ाएं तो मुल्क की बड़ी सियासी जमातों का मकसद सिर्फ एक ही नजर आता है और वो है इक्तदार की कुर्सी तक रसाई। मुल्क की मईशत इस वक्त जिस गर्दाब में फंसी हुई है, इस हवाले से किसी सियासी जमात की जानिब से अब तक मुस्तकबिल का कोई लाहे अमल नहीं दिया गया। आए रोज बड़े बड़े सियासी जलसों में अवाम से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, कहीं 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली का वादा तो कहीं किसान कार्ड, 30 लाख घरों की तामीर, सड़कों और मोटरवेज की तामीर जैसे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इन मंसूबों के लिए पैसे कहां से आएंगे ये ना तो अवाम को बताया जा रहा है और शायद ना ही वादे करने वालों को खुद पता है, या शायद ये महज इंतखाबी नारे हैं, या इन मंसूबों की तकमील बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे माजी में बनने वाले मंसूबों की होती रही है। IMF समेत दीगर बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों से कर्ज लेकर मंसूबों को मुकम्मल करो और फिर कर्ज की इस रकम को रकम और हासिल करदा कर्ज पर सूद की अदायगियों के लिए अवाम पर भारी भरकम टैक्सों का बोझ डालकर ये पैसे वसूल कर लो और फिर अगले इंतखाबात में अवाम के पैसों से बनाए गए मंसूबों को ही अपना इंतखाबी मंशूर करार दे दो। यूं हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चौखा। अरे जनाब, ये काम तो कोई सिविल इंजीनियर भी कर सकता है, आप इसको बस रकम और ह्यूमन रिसोर्स दें तो वो ऐसे दसियों मंसूबे बना लेगा। इसमें ऐसा कौन सा कमाल है? कौमी लीडर का काम मुल्क की सड़कें, पुल, मोटरवेज, हरी नीली पीली बसें चलाना नहीं होता, बल्कि कौमी लीडर का काम अवाम को विजन देना होता है, मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए एक मुनज्जम और वाज़े पॉलिसी देना होता है जिस पर अमल करके मुल्की मसाइल का कला कमा किया जा सके। पाकिस्तान में कौमी लीडर्स तो बहुत हैं लेकिन विजनरी लीडर शायद कोई नहीं। आज भी मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें अपने अपने सियासी इज्तम में अवाम को मसाइल का हल बताने के बजाय एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती हुई दिखाई और सुनाई दे रही हैं। एक तरफ सियासी जलसों में की जाने वाली तकरीर में ये नारा लगाया जाता है कि कौम इल्जाम तराशी की पुरानी सियासत से बेजार हो चुकी है, तो इसी तकरीर का इख्तिताम अपने सियासी मुखालफीन पर इल्जामात की बौछार से किया जाता है। आखिर वो वक्त कब आएगा जब हमारे सियासी कायदीन सियासी बलूगत का मुजाहरा करेंगे? जी, इन सभी इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी मौजूद है हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आप लोगों के वक्त के लिए। हुमायूं मोमन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी बात करें कि अगर कानूनी फ्रंट पे बात करें तो बहुत ज़ेरे एताब इस वक्त दिखाई दे रही है, बाकी सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, आप लोग एक अदालत से दूसरी अदालत तक हमें भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, जहां पर आप लोग ये कहते हैं कि कम वॉट में इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे चाहे किसी भी हैसियत में कंटेस्ट करें, आपको नहीं लगता कि वो जो इंतखाबी मैदान है वो कुछ थोड़ा ज्यादा ही खाली छोड़ दिया आप लोगों ने? कैंपेन बाज़ाब्ता तौर पर आपके लोग जो है वो कहीं पे करते हुए नजर नहीं आ रहे, और पहले ऐसा लगता था कि जो बाकी सियासी जमातें हैं ये तनकीद में कहीं ना कहीं आपको रखती थी तनकीद के निशाने पर, अब तनकीद का निशाना भी एक दूसरे की तरफ हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र भी कम हो गया है इलेक्शन कैंपेन के अंदर पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी मशीनरी जो है ना, ये जो हुकूमती मशीनरी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रही है। आपने देखा है कि मुल्तान में हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको उठा कर लेकर के उनके पेनाफ्लेक्स उठा के लेकर जा रहे हैं, ये पुलिस कर रही है, ठीक है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक फ्रंट पे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं, हमें जब हम कोई काम करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट जो है वो सारी क्लोज किए जा रहे हैं। अब ये हुकूमत कर रही है, अब मुझे नहीं पता कि ये हुकूमत जो है एक तो वैसे ही ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऊपर से इनकी हरकत भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके बावजूद भी हम अगेंस्ट ऑल ऑड हम फिर भी इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो इलेक्शन से बॉयकॉट नहीं कर रही और वो भरपूर तरीके से इलेक्शन में जैसा तैसा हो उसमें अपने पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही है। हम लोग जहां हमें मौका मिलता है, थोड़ा बहुत मौका मिलता है, हम उसको यूज करते हैं। अदालतें कहती हैं, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि आपको कोई नहीं वो करेगा, हवालात में डालेगा, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ऑन ग्राउंड हर जगह पे आप देख रहे हैं लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो जो अरेस्ट वाला मामला भी, और आपने कहा जैसा तैसा हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये जो जैसा तैसा वाला इशू है इस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर दें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी है भी,
सेनेटर साहब, क्योंकि आपको पता है कल भी जो एक मेंबर इलेक्शन कमीशन का मुकालमा हुआ शुएब शाहीन से, उन्होंने कहा जी कि पार्टी तो ताहयात तहलील हो चुकी है। सर ये इलेक्शन रूल हैं 2017 के, जहां पर ये रिजर्व सीट्स का मामला डिस्कस किया गया है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी की एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि अगर पार्टी को इलेक्शन कमीशन से सिंबल ना मिले तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती। आप मुझे बता दें वो किस जगह पे किस रूल में लिखा हुआ है? सर ये इलेक्शन रूल 2017 ये इसका आर्टिकल 94 है जो रिजर्व सीट्स के साथ डील करता है, वो जहां पे पार्टी को एक्सप्लेन करता है वहां पर वो ये कहता है कि सिंबल ना हो तो आप पार्टी नहीं है। नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ऐसे कहे। उसमें जो है ना रूल 94-95 उसमें करते, उसमें जब वो इंडिपेंडेंट उनकी बात करते हैं लोगों की, तो वो कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट कि वो लोग हैं जो आके ज्वाइन करेंगे। अच्छा फिर उसमें जो रूल 95 है उसके अंदर वो आखिर में मेंशन करते हैं कि इंडिपेंडेंट कौन है, तो वो रेफरेंस देते हैं रूल नंबर 92 सब क्लॉज 6 की बात करते हैं। जब आप रूल नंबर 92 सब क्लॉज 6 में जाते तो उसमें बताते हैं कि वो इंडिपेंडेंट लोग जो पार्टी को रीज्वाइन कर ले, मींस ये पार्टी के कैंडिडेट से लेकिन इन्होंने लीगली पार्टी होगी तो पार्टी को ज्वाइन करेंगे ना। आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की एक्सप्लेनेशन से कोई इख्तलाफ नहीं है, पार्टी है कि नहीं ये सवाल है। इलेक्शन कमीशन के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ एज ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, चले तो इसमें इस पर कैसे कह सकते हैं। और अभी आपने देखा है सलमान अकरम राजा साहब ने ऑलरेडी कह दिया है, वो कोर्ट में कह दिया है कि जी मुझे आप लोग इंडिपेंडेंट ना डिक्लेयर करें। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने टिकट इशू किए मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ लोगों ने अपने फॉर्म्स के साथ ये कहा है कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का टिकट होल्डर हूं। अब इलेक्शन कमीशन ने अनजस्टली पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सिंबल हटा दिया है, सिंबल हटाए पार्टी नहीं चले। अच्छा अलाउ मी सर, मैं आई कम बैक टू निहाल हाशमी साहब, क्योंकि आपको पता है कि माहिर कानून भी हैं, थोड़ा सा इस इशू पर भी उनसे बात कर लेती हूँ। और साथ ही साथ पहले तो हाशमी साहब एक सवाल जरूर करना चाह रही हूँ आपसे, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान के साथ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कैटेगोरिकली कंडेम कर दिया है, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, मजम्मत की है उन्होंने, कहा ये जो कुछ हो रहा है नहीं होना चाहिए। आप लोग भी सर एज अ पोलिटिकल पार्टी समझते हैं कि जब सियासी मैदान सजता है इलेक्शन के लिए तो सभी सियासी जमातों को भरपूर मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपके इस सवाल का जवाब यह है कि तमाम सियासी जमातों को भरपूर मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में अपना हिस्सा लेने का। आपके दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा दो हिस्सों पे, एक है लीगल एक है पॉलिटिकल। जी अगर आप पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इलेक्शन में लड़ना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, हर काम करना चाहिए। मगर अगर लीगल टर्मिनोलॉजी में आप जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी अभी वो इलेक्शन में नहीं है, क्योंकि एज ए पार्टी उन्होंने उनकी जो सिंबल थी वो कैंसिल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उसकी वजूहत इलेक्शन कमीशन ने भी लिखा, उसके बाद वो पेशावर हाई कोर्ट ने भी उस पर बहुत सारे वजूहत लिखे, और फिर फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने पीटीआई के वकला से पूछा कि किन किन वजूहत के बिना पे कैंसिल किया जाता है जो सिंबल है, तो उनके वकला वो वजूहत नहीं बता सके। और वो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बिकॉज इट प्री रिक्विजिट फॉर एनी रजिस्ट्रेशन और एनी सिंबल ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर इलेक्शन, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो गया। जब वो नाकाम हो गए तो लीगल टर्मिनोलॉजी में वो पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती, सीज टू बी एग्जिस्ट हो गई। हाँ अगले इलेक्शन में अगर ये अपने वो तमाम प्रीरिक्विजिट चीजें पूरी कर ले और जो मैंडेटरी प्रोविजन है, जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्शन रूल्स के रिक्वायरमेंट है, अगर हुआ इससे पहले ऐसा हो चुका है पीएमएलएन में 2018 में जब उनके पार्टी सदर मोहम्मद आशिफ साहब को सीज टू एग्जिस्ट कर दिया था पार्टी सदारत से, तो उस वक्त हमारी जो पार्टी के सिंबल था वो हमारे सेनेट के मेंबरान को नहीं मिला था। लेकिन सर ये दो अलग केसेस नहीं है, वो तो एक इंडिविजुअल का इशू था कि वो सिग्नेचर अब इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वो अब अथॉरिटी नहीं है पार्टी के अंदर, यहाँ तो पूरी पार्टी की वजूद के ऊपर ये एक क्वेश्चन मार्क है ना, ये दो तो अलग मामला है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क इन्होंने खुद किया, जो प्री रिक्विजिट थी वो अगर ये अडॉप्ट कर लेते
तो फिर आज इनके पास सिंबल भी होता नहीं सर, लेकिन एक प्री रिक्विजिट ये भी तो है ना कि जो कैंडिडेट है उसको पार्टी से एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन जमा कराना पड़ता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। अब सलमान अकरम राजा साहब का ग्राउंड यही है लीगल के, वो ऑलरेडी जमा करा चुके हैं अपने पेपर्स के अंदर ये सर्टिफिकेट पीटीआई के साथ एफिलिएशन का, तो कैसे उनको आजाद डिक्लेयर किया जा सकता है? वो कोई भी कहीं का भी जमा कर दे, कैंडिडेट की वो हैसियत नहीं है। तो ये जब तक उस सिंबल की जो इश्यूइंग अथॉरिटी है, असल हैसियत उसी होती है। एज ऑफ टुडे देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेस्टिंग। मोहन साहब कह रहे हैं कि इट इज स्टिल रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पार्टी रजिस्टर्ड होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, मगर दिस 2024 के इलेक्शन में इस नाम से कोई पॉलिटिकल पार्टी के कोई सिंबल के साथ कोई कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। जो भी उनके हिमायत याफ्ता या उनके अहदेदारान और जिम्मेदारान या उनके कारकुनान है, वो एज ऑफ टुडे वो इंडिपेंडेंट एज अ सीनियर पॉलिटिशियन। निहाल हाशमी साहब, आप इस बात को कंडेम करते हैं? देखिए जी, मैं सुप्रीम को मैंने आपको कहा दो चीजें, एक तो लीगलिटीज है, हाँ हम इस बात को कंडेम करते हैं कि उनको प्रॉपर टाइम पे उनको कर लेना चाहिए था अपना इलेक्शन, जो प्रोसेस है इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनको कर लेना चाहिए, जो प्री डिपॉजिट थे उसको उनको कर लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं करके अपने साथ भी बड़ी ज्यादती की और पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं जो उनके सपोर्टर उनके साथ भी। मगर जो लीगल टर्मिनोलॉजी में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग है उसको मैं किसी सूरत कंडेम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अली हैदर गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। बिलावल भुट्टो साहब ने, जैसे मैंने अभी पहले भी गुफ्तगू में कहा कि कंडेम किया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह का सलूक हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, एज अ पार्टी जो कुछ उनके साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए, सबको बराबर की स्पेस मिलनी चाहिए। सर ये भी वही टिपिकल पाकिस्तान की जो स्टेटस को की पॉलिटिक्स है उसी का हिस्सा नहीं बन गए सर बिलावल भुट्टो साहब भी, कि जब इक्तदार में थे, जिस दौर इक्तदार में इस सारे मसले का, इस सिलसिले का आगाज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तब तो सर वो वजीर खारजा थे, वो कुछ नहीं कहते थे। इक्तदार से बाहर आते ही अब ऐसा लगता है कि कैंपेन के लिए, मीडिया ऑप्टिक्स के लिए उन्होंने कंडेम भी कर दिया। जी तो बहुत शुक्रिया आपका। नहीं जी, ऐसे ये बात दुरुस्त नहीं है। पिछली जो यूनिटी गवर्नमेंट थी वो पीडीएम की गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पार्टी का, उस गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर थी। जब आप, लेकिन आपने देखा कि 2008 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उसमें कोई विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं रही, कोई एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था हमारे 5 साल के दौर में, एक पॉलिटिकल प्रिजनर भी नहीं था। और इस बात का हमें बड़ा फखर है और हम ये बात बड़े फखर से लोगों को बताते हैं कि हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं। बाकी जो जमाते हैं तहरीक इंसाफ या PPMLN, ये एक दूसरे से इंतकामी सियासत, इंतकाम लेने के लिए सियासत कर रहे हैं, और जो भी पार्टी आएगी इक्तदार में या आना चाहती है इक्तदार में, वो सिर्फ अपना बदला या यू नो बदला लेने के लिए इक्तदार में आना चाहते हैं। आई सी वेयर यू कमिंग फ्रॉम, आम के मसाइल हल। यस, आई सी वेयर यू कमिंग फ्रॉम। जब आप ये कहते हैं कि पीडीएम गवर्नमेंट लेड गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ पार्ट थी उस हुकूमत का, बिलावल साहब जाहिर है वजीर आजम नहीं थे, वजीर खारजा थे, आई डू अंडरस्टैंड दैट। मैं तो सिर्फ कंडेम करने की बात कर रही हूँ या प्रोटेस्ट रजिस्टर या रिकॉर्ड करने की बात कर रही हूँ कि जब इक्तदार में थे, जब हुकूमत का हिस्सा थे सर, तब प्रोटेस्ट करना चाहिए था ना, तब कहना चाहिए था कि जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, जिस तरीके से अरेस्ट हुआ है ठीक नहीं हुआ है, जो कुछ कारकुनान के साथ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। पहले आप मेरी इस बात से एग्री करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। हाँ। तो फिर हम इस बात को आगे लेके चलते हैं और हम भी कंडेम कर लेते हैं। नहीं नहीं, अब तो आप कंडेम करें, मैं तो यू नो हैविंग सेड दैट, ये सवाल पूछने के साथ साथ मैं क्रेडिट भी दे रही हूँ उस बात का कि बिलावल साहब ने कंडेम किया है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड कंडेम जरूर किया है पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, लेकिन बिलावल साहब ने साथ ये भी जरूर कहा है कि जो लोग स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ इतनी आगे आकर उनको जलाया गया है स्टेट के इंस्टीट्यूशन को, उनके साथ कोई वो जो कहते हैं ना वो नहीं होने चाहिए, लचक नहीं होनी चाहिए उसमें। हम हमारा जो बड़ा क्लियर है वर्जन इस मामले में कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को पूरा फ्री हैंड होना चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी मिलनी चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। जो आप पहले बात कर रही थी पॉलिटिकल पार्टी तहरीके इंसाफ, ये बिल्कुल क्लियर है, आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ इज नो मोर अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इट इज नॉट रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और जो कैंडिडेट्स हैं 2024 के इलेक्शन में, जो कैंडिडेट्स तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, और इलेक्शन बनने के बाद वो अपने चेयरमैन के पाबंद नहीं होंगे। वो कैंडिडेट्स अगर जो जीतेंगे वो एक
अपना ब्लॉक बना लें या किसी पार्टी के साथ शामिल हो जाएं, वो इंडिपेंडेंट होंगे, दे आर नॉट वो किसी बाउंड नहीं है किसी चेयरमैन के अपने किसी पार्टी के। मैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज किया, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर इस पर भी बात करते हैं। और कुछ बिलावल भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ साहब को और नून लीग को तनकीद के निशाने पर रखा हुआ और कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब ये जो पॉइंट रेस कर रहे थे गिलानी साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भले कोई सर्टिफिकेट आपने जमा कराया आपके कैंडिडेट्स ने एफिलिएशन का, भले वो कह रहे हैं इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, उन्हीं के बिहाफ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, बट टेक्निकली एंड लीगली अगर इलेक्शन के बाद वो कहीं और जाना चाहें तो आप उन्हें रोक नहीं सकते, कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। तो आप लोगों को कितना खतरा दिखाई दे रहा है इस मामले के अंदर, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके उन कैंडिडेट्स के ऊपर खासी नजरें भी लगी हुई हैं। अलीम खान साहब ने भी दावा किया है कि पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार हैं उनसे मैं रابطے में हूं, बिलावल साहब ने भी कहा है कि मैं खुशी से आजाद लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करूंगा। तो सर ये नजरें तो लगी हुई हैं आप लोगों के कैंडिडेट्स के ऊपर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोगों की इस पे नजरें लगी हुई हैं, हालांकि उसूलन तो इनको चाहिए कि अपनी कारकर्दियों के बेसिस पे जाए, लेकिन इनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जीतेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे सिचुएशन में है कि जहाँ पे थोड़ी सी इफ्स एंड बट्स आ रही हैं, हालांकि हमारे लिहाज से जैसे हम समझते हैं कि उसमें कोई ज़्यादा मसला होना नहीं चाहिए। इट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है और अगर वो जाते हैं तो डिफ्लेक्शन के वो क्लॉज उन पर लग जाएंगे और लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, हाँ एक थोड़ी सी बीच में पोजीशन आ रही है कि जहाँ पे चूंकि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस इन क्वेश्चन हैं, वहाँ पे ये याद रखिए कि इलेक्शन एक्ट 215 के तहत जो इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इतने इख्तियार है कि वो सर्टिफिकेट्स मांगे, उसका ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस के अंदर जाके उनको डिटेल में चेक करें। लेकिन फिर भी जब वो कर लिया और जिस तरीके से शब खून मारा है इवन सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 की वायलेशन किए, उन्होंने इलेक्शन एक्ट की वायलेशन किए, वो सारी चीज़ें करके, और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कि जैसे दो इससे पहले ऐसे जजमेंट्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन्होंने पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स है उसको चेंज किया था, एक जस्टिस मुनीर का वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, दूसरा जो जुल्फिकार अली भुट्टो के जुडिशियल मर्डर, ये तीसरा है जो उन दोनों से ज्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें आपने इलेक्शन कमीशन को इन फैक्ट इख्तियार दे दिया है कि वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी के इंटरनल मैटर्स में घुस के किसी भी शिकम के ऊपर निकाल के और उसको डिस्क्वालिफाई कर सकती है। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है, सबसे बड़ा डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है और सबसे बड़ा हुआ था एक पॉलिटिकल लीडर का मर्डर हुआ था यहाँ पे, ना सिर्फ एक पॉलिटिकल। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी सारी बात मान लेती हूँ चले एक मिनट के लिए, लेकिन इसके बाद भी एक सवाल तो सर यहाँ पर बनता है ना कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वक्त पे अगर आप भी करा लेते सर तो क्या जाना था, तरीकेकार फॉलो कर लेते तो क्या जाना था। सर आपने तो सालों के हिसाब से डिले किया, अब जब बात इस नहज पर पहुंच गई है तो आई थिंक इट्स इजियर टू क्रिटिसाइज सिस्टम, लेकिन सिस्टम के अंदर रहना जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं होता अगर इंसान फॉलो कर ले वक्त पर। तो मैं बात बताता हूं, हमने बिल्कुल इंटर पार्टी इलेक्शंस कराए थे, ये नहीं है कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। उन इंटर पार्टी इलेक्शंस के अंदर इसने इलेक्शन कमीशन ने घुस के जब कहा है कि नहीं आपने इसके अंदर ये गलतियां की है, वो उसने गलत किया है। क्या पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शंस कराए हैं? बिल्कुल कराए। क्या उनको एफिडेविट दिया? बिल्कुल एफिडेविट दिया है। तो एज फार एज जो इलेक्शन एक्ट 2017 का जो आर्टिकल 208, 209, 20 वो तो हमने कंप्लीट किया है। 215 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शंस के अंदर जाके उसके डिटेल्स चेक करे। और नंबर टू, जिन लोगों की कंप्लेंट की बात है वो इलेक्शन कमीशन में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, वो किसी कोर्ट में जाके कर सकते हैं। तो जनरली स्पीकिंग ये चीजें बिल्कुल गलत हुई हैं जिस तरीके से किए गए, और मैं आई कैन अश्योर यू कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के और बाकी जजों से पूछे 90% ऑफ जजेस एक्चुअली थिंक कि ये गलत डिसीजन है। 90% होते तो फिर मेजॉरिटी बेंचेस से बेंच के मेजॉरिटी जजेस से फैसला ना आते। मुझे इजाजत दे, मैं आखिरी बात, इवन उस बेंच के अंदर एक खातून ने वो जज ने कहा है कि ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ही पार्टी के पीछे इलेक्शन कमीशन पड़ी है। लेकिन आखिरी बात देखिए, बात ये है कि वो पॉलिटिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबर्स जो पिछले 10 महीने से ये सारी जो चीजें गुजार के आ गए हैं, ठीक है, जबर और सारी चीजें गुजार कर आ गए हैं, आपका क्या ख्याल है वो
छोड़ के चले जाएंगे, मेरा निकाल के छोड़ के चले जाएंगे, और अपने नाम के साथ वो अल राशी वल मुर्तशी वाला नाम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। चले ये तो टाइम आई थिंक इज गोइंग टू टेल। बट निहाल हाशमी साहब, सर ये इलेक्शन कमीशन जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकता कोई भी इस तरह की चीजों को जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हो, जो अभी हुमायूं मोमिन साहब बात करते कि तजावुज किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो किसी भी पार्टी के अंदरूनी मामलात में घुसकर इस तरह से नहीं कर सकता जो कुछ किया गया पीटीआई के साथ? नहीं, मेहमान साहब की अंडरस्टैंडिंग जरा डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। कोई मुदाखलत नहीं किया, कोई उनके अंदर नहीं घुसा है। उसने इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो आईन और कानून में लिखा है, जो इलेक्शन के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रूल है कि आप कितने दिन पहले इलेक्शन के डेट का ऐलान करेंगे, मुकाम का तय्यून करेंगे, टाइमिंग सही करेंगे, इलेक्शन कमीशन अपना बनाएंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन में लोग होंगे, आप एक प्रॉपर नोटिस देंगे, पब्लिकेशन करेंगे, इनविटेशन मांगेंगे आप फॉर द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स मुख्तलिफ पोजिशन के लिए। फिर वो जब कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आ जाएंगे, ये तो नहीं कि पाकिस्तान से कोई भी उठ करके जाके उस पार्टी के इलेक्शन में हिस्सा ले, क्योंकि अगर वो मेंबर नहीं है तो वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। और फिर जब नॉमिनेशन पेपर्स आएंगे उसके बाद स्क्रूटनाइज होगा, उस स्क्रूटनाइज होने के बाद जिनको वो समझेंगे रखेंगे फाइनल लिस्ट में, और जिसे समझेंगे वो डिस्कार्ड करेंगे। सर आपने इतने अच्छे तरीके से प्रोसीजर बताया, मेरे जहन में वैसे ही सवाल आ गया, नून लीग में सर ये सारा कुछ ऐसे ही फॉलो होता है जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है वहां पर? तो करते हैं, हाँ ये जरूर होता है कि हमारी हर किसी को मेंबरशिप का वो बैलेट शीट दिया जाता है, हमारे हर किसी को नॉमिनेशन पेपर के बाद फेस करना पड़ता है, दे हैज टू गो थ्रू दैट प्रोसीजर। मगर जब अफाम और तहफीम हो जाए और कंसेंसस के साथ अगर किसी सीट के ऊपर कंसेंसस हो जाए तो उसके बाद वो सीट अनअपोज आ जाए करती है, और उस सीट को फिर हाउस जो है वो इम्पावर्ड करती है कि अगर वो आफ्टर द इलेक्शन किसी खास जगह पे किसी को एडॉप्ट भी करना चाहे, को ऑप्ट करना चाहे, तो वो कर सकती है। एक बड़ा ट्रांसपेरेंट निजाम है, एक सिस्टम है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेड होता है हर चीज। तो आप कह रहे हैं कि ईसीपी ने तजावुज नहीं किया पीटीआई में? इन्होंने 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 वो प्रीरिक्विजिट जो मैंडेटरी प्रोविजंस था उसको फुलफिल नहीं किया, किसी ने तजावुज नहीं किया। अच्छा सर, थोड़ा सा क्योंकि इलेक्शंस करीब है, जहां पर हम देख रहे हैं कि पीटीआई की तरफ तोपों का रुख था, रुख अब आप लोगों ने एक दूसरे की तरफ कर लिया है सर। 16 महीने एक साथ हुकूमत भी की है, अब तोपें भी एक दूसरे की तरफ आप लोगों ने चलाना शुरू कर दी है। बिलावल साहब तो बड़ी खुली गोलाबारी कर रहे हैं, मियाँ साहब का नाम भी ले रहे हैं, तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, पंजाब के अंदर बहुत सारी चीजें जो वो समझते हैं कि ठीक नहीं है उन्हें पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई आपकी तरफ से भी हो रही है लेकिन थोड़ी सटल हो रही है। मरियम साहिबा ने आज भी जो तकरीर की उसके अंदर नाम नहीं लिया बिलावल का, बस ये कहती रही कि वो जो एक शख्स हमसे हमारा मंजूर मांगता है वो आके यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन देख ले। सर वैसे बात तो ठीक है ना बिलावल साहब की, आप लोग जो है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है आप लोगों का क्लेम है, मंजूर अभी तक आप लोगों का आता पता ही नहीं पार्टी का? सर मंजूर क्या होता है कि सिर्फ प्रिंट मीडिया में छपवा लिया जाए, प्रिंट करवा लिया जाए, या टेलीविजन पे आकर के बता दिया जाए कि हम ये करेंगे। ये तो पीपल्स पार्टी तो एक बड़ी लार्जर पार्टी है, यहाँ पे छोटे छोटे टांगा पार्टीज भी मंजूर छपा करके कहते हैं, दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे। और बास पार्टी तो यहाँ तक बेवकूफी करती है कि कौमी असेंबली के और सूबाई असेंबली के जो मेंबरान है उनके तरफ से ये कहती है कि हम ये सड़कें बना देंगे, ये नाला बना देंगे, ये हम पानी का ये मामला कर देंगे, ये सेवरेज को ठीक कर देंगे। कोई कहे कोई समझाए कि मंशूर जो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली का होता है उसमें इस तरह की बातें नहीं होती है। कौमी असेंबली के जो अरकान है, जो अरकान है उनका काम होता है आइन साजी करना, वो एक मरियम साहब कौमी असेंबली की रुकन नहीं बनना चाहती। उन्होंने आज अपनी एक तकरीर में 4 दफा मोटरवे का, 5 दफा ऑरेंज ट्रेन का, 6 दफा पता नहीं इसी तरह सड़कों का जिक्र किया है। तो आप लोगों की तो बल्कि पूरी पार्टी कैंपेन ही इस बात पर फोकस्ड है। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ननकाना को जो है वो सड़कें दे देंगे। जी हम जो कैंपेन कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, हम इलाकाई सतह के फुटबॉल ग्राउंड से लेके रोड और नाले और पानी की बात नहीं करते ना, ये सब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। और उससे भी नीचे अगर जाए और अगर पीपल्स पार्टी एग्री करे तो 18 अमेंडमेंट को और वसत दिया जाए और इसको जूसी लेवल तक लाया जाए। हम जो बात करते हैं, हम प्रिंसिपल बात करते हैं कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारा पार्टी का क्या रोल होगा। चलें तो इन सभी इश्यूज पर बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ जी। वेलकम बैक नाजरीन,
हुमायूं मोमन साहब, सर ये जो आने वाला इलेक्शन है, इलेक्शन की तरफ तो अब हम बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं जो सूरत हाल है सर, कितना ये ऑलरेडी खासा कॉन्ट्रोवर्शियल दिखाई देता है। अच्छा, खाली आप लोगों की वजह से मैं नहीं कह रही हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं उसकी वजह से भी कह रही हूँ। बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये इलेक्शन हो जाएगा सर, कौन मानेगा इन नतज को? आपको पोस्ट इलेक्शन मुल्क में क्या सूरत हाल नजर आ रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से ये इलेक्शन हो रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान क्या बाहर भी नहीं होगी। जो मुझे लग रहा है कि ये लोग इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी नहीं आने देंगे, क्योंकि इन लोगों का पूरा वो काम है कि ये इस इलेक्शन को रिग करें, और एक आदमी जो कि कन्विक्टेड था उसको जिस तरीके से बुलाया गया, जिस तरीके से एयरपोर्ट पे पूरी इवन जुडिशरी ने जाके वहाँ पे उनके थंब इम्प्रेशंस लिए, हालांकि ये वही जुडिशरी थी जिसने पीएलडी नवंबर 22 में कहा था कि जी इन ये तो अपना हक ही खो गए, और इनके इवन जो इनके बिहाफ पे जो लॉयर्स हैं हम उनकी भी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन वो टोटली बदल गई है, उन लोगों ने एयरपोर्ट पे तो उनको जाके ये जिताएंगे। और मजे की बात है, अगर आप ज्यादा वैसे सिस्टम पे शक नहीं कर रहे, मुर्तजा सोलंकी साहब कहते हैं कि 49 गैर मुल्की जो रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में है, 32 की एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, और फिर उन्होंने एक और तवील फहरिस्त मुख्तलिफ ममालिक के ऑब्जर्वर्स की गिनवाई कि जिनके वीजा प्रोसेस ऑन है वो आ जाएंगे। इससे ये कि सोलंकी साहब जो कह रहे हैं ना, सोलंकी साहब मतलब आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, वक्त के बाद पता चल जाएगा। जो बाज हमें लोग बता रहे हैं, जो वो आपके कोलीग्स हैं, वो जो हमें बता रहे हैं, उनके नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सच है या गलत है वो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी रफली दे आर नॉट विलिंग, जो इंडिपेंडेंट किस्म के वो हैं, कुछ थोड़ा बहुत ये वहाँ पे भी मैन्यूवरिंग कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मैं आपको एक दो तीन चीज़ें बताता हूँ। देखिए, इस वक्त अगर जो पाकिस्तान आप ये देख रहे हैं, पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगा हुआ है, लेकिन अजीब बात है कि जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जलसे कर रही है वहाँ पे कोई दफ़ा 144 नहीं है, वहाँ पे इनके पूरे जलसे में 144 लोग हैं। अगर इनके जलसों में से अगर हम दो चीज़ें निकाल दें, एक मोटरवे का लफ्ज़ निकाल दें और एक इमरान खान पीटीआई के, ये तीन लफ्ज निकाल देना, तो इनके पूरी जो तकरीर होती है ना उसमें ये तीन चार चीजें। लेकिन सर दो बातें, वैसे एक तो ये कि 144 लोग वाली बात तो आपको नहीं लगता ज्यादती है सर? बड़े बड़े पावर शोज कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब भी, चले यू बी सार्केस्टिक, बट ये जो 144 वाली बात भी है सर, इसके अंदर ये कि आप वेपन डिस्प्ले नहीं कर सकते और वेपन लेके नहीं जा सकते, वो है आपस में। हाँ जी, देखिए उसमें जो खोसा साहब है उनके घर के बाहर पुलिस को डिप्लॉय किया हुआ है, उनको वो कहते हैं कि वो निकलने ही नहीं दे रहे इनके, वो मैं बता रहा था अगर वो तीन चार नाम निकाल दे तो ये सिर्फ ये कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज बहनों भाइयों खुदा हाफिज, बाकी दरमियान में सारा का सारा काम या तो मोटरवे के ऊपर है और यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज आपको बता देता हूँ, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो साल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो साल को हम जो जिस दौरान में ये कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो साल ये जो अभी आई है इसमें उन्होंने तकरीबन 1800 किलोमीटर के रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया या रिपेयर किया है, नून लीग ने अपने ये 2015-16 के उसमें दो साल में उन्होंने सिर्फ 600 किलोमीटर को रिपेयर किया है और या कंस्ट्रक्ट किया है, तो उस लिहाज से वो है। मोटरवे एक टाइम था उस वक्त मोटरवे बनना चाहिए थे, बन गई थी, उसमें भी इन्होंने 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया है, जिसका फ्यूल कॉस्ट निकाल लें, जिसका टोटल कॉस्ट निकाल लें, एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो इन्होंने अननेसेसरी की थी। अगर आप उस जमाने के जो भी जिन लोगों ने मोटरवे डिजाइन किया था, जो ओरिजिनल वाले थे, उस में से 100 किलोमीटर का एक्स्ट्रा इन्होंने चेंज किया है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, लेट्स बी फेयर ना, जब मैं उनसे कहती हूँ कि मुजम्मत करें तो मैं आपको भी कहूंगी सर क्रेडिट दे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट का हिस्सा तो होता है ना सर। मैंने कहा है कि इन्होंने मोटरवे किया है और उसका वो उस जमाने में होना चाहिए था और हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ मैं एक और चीज भी देख लेता हूँ कि मोटरवे जब बननी शुरू हुई 1990 से बननी शुरू हुई थी तो साथ दो तीन चीजें हुई हैं। एक चीज क्या हुई है, एक चीज ये हुई है कि चार ऑफशोर कंपनीज खुल गई, उन चार ऑफशोर कंपनी ने 1993 में फ्लैट्स खरीद लिए। उसके बाद हुआ है 1993 में एक रमजान शुगर मिल, वो भी 1993 में रजिस्टर हो गई। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो बिजनेसेस है वो भी 1993-94 में रजिस्टर हो रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या ये कोइंसिडेंस है
चले मैं पूछ लेती हूँ, मैं निहाल हाशमी साहब से पूछ लेती हूँ। निहाल हाशमी साहब, दो बातें, एक तो जो अभी मोमन साहब गुफ्तगू कर रहे थे, क्या ये कोइंसिडेंस है सर कि ये सारा कुछ साथ आप लोगों के लीडरान के बिजनेसेस भी रजिस्टर हो रहे थे, और दूसरा सर ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर जब गिनवाती है कि आप लोगों ने मोटरवेज बनवाई तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों का ये ख्याल है कि तरक्की का एक ही पैमाना है और वो सड़कें बनाना है, इसके अलावा और कोई कुछ तरक्की और कुछ नहीं होती? हमने ये नहीं कहा है कि तरक्की का एक ही पैमाना है जिसमें सिर्फ सड़कें बनी, वन ऑफ द पैमाना भी है वो, नॉट ऑल पैमाना, ठीक है। और ये बात आप अगर स्कूल से घर को ना जोड़े और स्कूल से कॉलेज को और कॉलेज से यूनिवर्सिटी को ना जोड़े और तालिबे इल्म को टीचर से ना जोड़े और तालीम को जहालत से ना जोड़े तो फिर काम नहीं चलता। और उस सब जोड़ने का एक ही तरीकेकार है, वो है मोटरवे या फिर हाईवे या फिर रोड। अगर मोटरवे बनाने से आज पूरी दुनिया में जो तरक्की हुई है, इवन इकोनॉमी के हवाले से भी अगर आप देख लें तो इकोनॉमी में भी ये है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होती है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होता है, हाईवेज बहुत बेहतर होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए किया जाता है कि उसके वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, फार्म टू मार्केट किसानों को जगह मिल जाएगा, फैक्ट्री टू एक्सपोर्ट या मार्केट जो है वो मजदूरों को जगह मिल जाएगा। तो हमने अगर कोई बात की है अब तो बहुत ही सोच समझ के की है कि हम फर्द वाहिद की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, हम 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिनके मुस्तकबिल का दार मदार पाकिस्तान के मईशत से, पाकिस्तान की ज़रात से और पाकिस्तान के सनत से वाबस्ता है। तो हम तो ये समझते हैं कि 18वीं तारीख के बाद उनको ज्यादा और इम्पावर किया जाए, ज्यादा उनको ताकत दिया जाए, ज्यादा उनको गंभीर किया जाए ताकि वो ज्यादा मौसर तरीके से पाकिस्तान की खिदमत कर सके। आम आदमी जो ट्रिपल क्रिटिकल डाउन इफेक्ट हो, ये नहीं कि सूबे के बाद मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट को भी दें, आप यूसी को भी दें और आप सिटी को भी दें और आप वार्ड को भी दें, उन सब वो सब पाकिस्तान के लोग हैं, वो सब पाकिस्तान के जमहूरी निजाम का हिस्सा थे, हैं और रहना चाहते हैं। सर मेरे पास अब वक्त खत्म हो रहा है, अगर ब्रीफ एक कमेंट कर दें, बिलावल भुट्टो का पंजाब आना कितनी बड़ी थ्रेट देख रहे हैं इसको आप लोग? नहीं, नॉट एट ऑल, वो आए शौक से है, मैं तो उनको कहूंगा कि वो मरी भी जाए अब्दाबाद भी जाए, घूमे फिरे, ये उम्र है उनकी, जवानी का टाइम है, ठीक है घूम फिरे। घूम फिर नहीं रहे वैसे, वो बड़ी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं पंजाब में, घूम नहीं फिरना है, जवानी में ऐसे घूमता फिरता है बंदा। मगर एक काम याद रखें कि आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, नवाज शरीफ का प्रोडक्ट जो है उनके किए हुए कारनामे है, नवाज शरीफ का जो प्रोडक्ट है उनकी क्रेडिबिलिटी है, नवाज शरीफ का बनाया हुआ मोटरवे है या हाईवे है, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है या F-7 थंडर है या CPAC है या लैपटॉप है या बिजली घर है या ज़राअत की तरक्की है, तो उनके पास तो बताने के लिए आवाज़। चले, मेरे पास वक्त मजीद होता सर तो मजीद ये जो आपने कुछ एरियाज गिनवाए हैं मैं इन पे तफसील से और भी बात करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए, डॉक्टर सेंटर हुमायूं मोमन साहब थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, अली हैदर गिलानी साहब का भी शुक्रगुजार है प्रोग्राम में उन्होंने आज वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।